चलिए ध्यान दीजिए, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक, टॉपिक का नाम है गैस्ट्रुलेशन। ठीक है जी, टॉपिक का नाम क्या है? गैस्ट्रुलेशन। देखते हैं क्या होता है गैस्ट्रुलेशन। क्या स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? हाँ या ना यस बोलो सर, जल्दी। दिखाई ठीक, दे रहे हैं दी। यस सर। देखते हैं, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, ये कोई ऊसाइट था या कोई एग था। ठीक, ये एग था। वो सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। तो इस एग में जब क्या होगा कि स्पर्म आएगा और क्या कर लेगा? फर्टिलाइजेशन। तो अब ये एग एग नहीं रहेगा, अब बन जाएगा जायगोट। मतलब क्रोमोजोम की एक सेट इधर रहेगी और एक सेट स्पर्म से आएगा। दोनों मिला के क्रोमोजोम की दो सेट बन जाएगी, टू एन लिखते इसको। अब ये बन जाएगा जायगोट। इतना तो क्लियर है। अब क्या होता है, यहां पर डिविजन स्टार्ट हो जाते हैं, क्लीवेज जिसको बोलते हो। ठीक, जब डिविजन स्टार्ट होता है क्या होता है, देखिए। एक बार डिविजन हुआ, दो बार डिविजन हुआ, तीन बार हुआ, चौथी बार हुआ, समझ रहे हो ना? ऐसे क्लीवेज होते जाता है। और ये जो जायगोट जो एक सेल था, यूनिसेलुलर था, अब ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत सारे सेल बन जाते हैं उसमें। तो क्या होता है, बिल्कुल ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठोस गेंद जैसा। इसी को बोलते हैं आप मरोला। जब आगे बात करते हो, ये डिवीजन और बढ़ते जाता है और क्लीवेज होते जाता है और सेल और डिवाइड होते, सेल की संख्या और बढ़ते जाता है। ठीक, अगर मैं सेल की संख्या बात करूं, लगभग मरोला स्टेज में कितना सेल? 16 से लेकर 64 सेल होते हैं भाई। ठीक, इसका डबल कर दो, 64 का डबल 128, 128 सेल स्टेज। जब इतना हो जाता है तो अंदर छोटा सा कैविटी बन जाता है, उसको बोलते हो आप, इस स्टेज को बोलते हो आप ब्लास्टुला स्टेज। कौन सा स्टेज? ब्लास्टुला स्टेज। अब ये सॉलिड बॉल लाइक नहीं है, अब ये होलो बॉल लाइक है, खोखली गेंद जैसे स्ट्रक्चर है। सुन पा रहे हो कि नहीं आप लोग? यस हाँ, तो हाँ ना बोला करो ना, मेरे को पता नहीं चलता इधर। ठीक, तो होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, खोखली गेंद जैसे। ये बाहर से दिख रहा है आपको ऐसे, लेकिन मैं जैसे खरबूजे को काटते हो बीचों बीच से दो भागों में, तब अंदर देखते हो तो लाल लाल दिखता है। जैसे पपीता को काटते हो बराबर बीच से काट देते हो तो अंदर कैविटी दिखता है कि नहीं? हाँ, यस तो ये बाहर से पपीता जैसे है, समझ लीजिए आप। काटोगे तो अंदर कैविटी मिलेगी, मतलब कैसे मिलेगा देखिए। तो हम इसको फिर अच्छे से पढ़ेंगे आगे, अभी इसे समझाने का प्रयास करो। देखिए, ये अंदर देखो, अंदर खोखला है, ये चारों तरफ ऐसे सेल है, अंदर खोखली स्ट्रक्चर बन गई। ये एल एस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ऊपर से नीचे काटे हो तो अंदर कैविटी देखा, इसी को तो बोलते हो आप, क्या बताओ तो? नेक्स्ट। ब्लास्टोसिस्ट। कुछ समझ में आया? यहां पर यस हमने कुल मिला के बात किया किसकी किसकी, एग के बाद बनता है जायगोट, के बाद मरुला स्टेज, के बाद ब्लास्टुला स्टेज। ठीक, यस ये भी ब्लास्टुला स्टेज का ही है, लेकिन ये भी ब्लास्टुला स्टेज ही है, लेकिन मैं क्या दिखाया हूं, काट करके अंदर का हिस्सा दिखाया हूं। और यहां पर ब्लास्टुला स्टेज उसके पहले का जो दिख रहा है वो बाहर से देख रहे हो, उसको काटने के बाद दिख रहा है। दोनों में बस इतना अंतर है, दोनों ब्लास्टुला स्टेज। तो अब क्या है, अंदर कैविटी बना के बताओ तो?
अब मैं डायग्राम को यहां बनाता हूं, देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ा बड़ा बनाया डायग्राम को देखो, ये समझ में आया अंदर क्या है, ब्लास्टोसील, ये। और इस ब्लास्टुला स्टेज के बाद जो घटनाएं घटेंगी ना, उसमें क्या होता है, सेल में मूवमेंट होता है, सेल अपना जगह चेंज करता है, कुछ सेल अंदर घुसते हैं, कुछ सेल बाहर फैलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हो आप क्या, गैस्टुलेशन। सेल का इस प्रकार से इधर उधर जाना, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं, रुकिए, देखिए। तो अब क्या होगा, कुछ सेल अंदर घुसेंगी, कुछ सेल बाहर ही बाहर फैलेंगी, तो सेल में क्या होगा, मूवमेंट, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, yes. कौन से स्टेज के बाद मूवमेंट हो रहा है, ब्लास्टुला स्टेज, बिल्कुल ब्लास्टुला के बाद सेलुलर मूवमेंट। और ये सेलुलर मूवमेंट क्या क्या हो सकता है भाई, कोई बता पाएंगे, इनवेजिनेशन ये हो सकता है, अगला इनवॉल्यूशन, अगला डिलेमिनेशन, अगला इनग्रेशन, या इसको इमिग्रेशन के नाम से भी जानते हो, अगला एपिबोली, ये सब क्या है, सेलुलर मूवमेंट है। इन्हीं प्रोसेस को तो क्या बोलते हो आप, गैस्टुलेशन। इसमें कुछ भी घटना घट रहा है तो क्या कहलाता है, वो गैस्टुलेशन। जिससे क्या होगा, कुछ सेल अंदर जाएंगी, कुछ सेल बाहर से फैलेंगी, समझ रहे हो कि नहीं, yes. अब मेरे को बताइए, जब सेल अंदर जाएगी तो एक होल बनेगा कि नहीं बनेगा, होल। चलिए मैं आपको यहां पर ऐसे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां से सेल अंदर घुस रहे, ऐसे बताओ ये अंदर घुस रहे, देखो ये इतना अंदर घुस ही नहीं आते करके, तो कैसे हो जाएगा, देखो तुझे, हो जाएगा ऐसे, देखो तो बाहर में क्या हो गया बताओ भाई, ये होल बनेगा कि नहीं बाहर में, जिधर से अंदर घुस रहे भाई, आप ये समझ लीजिए ना, मिट्टी का एक गीला वाला मिट्टी का एक गोला बना लिया आपने, और उस गीले मिट्टी में आपने अपने उंगली को दबा दिया, तो मिट्टी के अंदर होल बन जाएगा कि नहीं, yes. बस सेम प्रोसेस। तो बाहर से जो होल दिखेगा ये क्या कहलाता है, अंदर ब्लास्टोसील था, ब्लास्टोसील की तरफ घुस रहा है वो, तो इसलिए उसको क्या बोलते हो बाहर वाले को, ब्लास्टोपोर, पोर मतलब छिद्र होता है, छेद होता है, तो ब्लास्टोसील में जो घुस रहा है अंदर, वो बाहर से जो होल दिख रहा है क्या कहलाएगा, वो होल, ब्लास्टोपोर। अब ये नया कैविटी जो बन रहा है ना, कैविटी बन रहा है नया, देखो तो ब्लास्टोसील धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, अरे नया होल बनते जा रहा है, देखो इस नए होल को क्या बोलते हो, आर्केंट्रॉन। या प्रिमिटिव गट के नाम से, प्रारंभिक आहार नाल बोलते हो भाई इसको, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं, yes. तो मेरे को बस एक ही बता दीजिए, ये ब्लास्टोसील यहां पर है तो क्या क्या काम आ रहा है हमारे, ये ब्लास्टोसील अगर है यहां पर तो क्या क्या काम आ रहा है बताओ, सेलुलर, यहां पर ये बता दूं मैं आपको, देखो ध्यान से देखो कि इतना
इतने के ऊपर वाले सेल को एनिमल सेल बोलते हैं, या एनिमल कैप टोपी जैसा ऊपर में। आप या मैं यहां पर बता दूं, नहीं तो यहां पर देखो, तो आपके राइट साइड के कॉर्नर पे देखो, यहां पर इतने में देखो, इतना दिख रहा है ना? यस। ऊपर वाले जिसमें कैप टोपी जैसा दिख रहा है, एनिमल कैप कहलाता है वो, एनिमल कैप। नीचे वाला वेजिटल कैप कहलाता है। क्यों कहते हैं वेजिटल? मतलब योग होता है, योग नीचे योग पाई जाती है, तो इसलिए उसको वेजिटल कैप बोलते हैं, ऊपर वाले को एनिमल कैप बोलते हैं। वास्तव में जो एनिमल बनेगा ऊपर वाला पार्ट बनाएगा, एनिमल का मैक्सिमम हिस्सा, इसलिए ऊपर वाले को एनिमल कैप, नीचे वाले को वेजिटल कैप। कुछ पल्ले पड़ा? यस। तो मेरे को एक चीज बता दीजिए, यहां पर इस एनिमल कैप में इतना में जितने भी सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये सेल क्या वेजिटल कैप के सेल से मिल रहे हैं क्या? वो मिल पाएंगे आपस में? नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में कैविटी है, अटैच है कि आपस में एक दूसरे से, बताओ तो। कोई ऊपर वाला सेल नीचे वाले सेल से अटैच है क्या, जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है ना। क्यों बोलना पर? क्योंकि बीच में कैविटी है। तो कैविटी का पहला रोल क्या हो गया? कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? यहां पर बना दो, चलिए। yes, हाँ ना, कुछ बोल रहा ना, मेरे को कैसे पता चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो, मैं बोलू यहां पर ऐसे, ऊपर वाला एनिमल कैप सेल है, नीचे वाला वेजिटल कैप सेल है। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि ऊपर में जितना भी सेल है ये ऐसा, वो क्या नीचे वाले सेल से मिल रहे हैं? नो सर, नीचे वाले सेल से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों बोलना पर? क्योंकि बीच में इतनी बड़ी कैविटी जो आ गई, है कि नहीं बता दो ये? yes, तो इनका आपस में इंटरेक्शन होगा, लेकिन समय पर होगा, समय से पहले नहीं होगा। तो ये ब्लास्टोसील जो है, अंदर की कैविटी जो है, क्या कर रहा है भाई बताओ तो? एनिमल कैप सेल को वेजिटल कैप सेल से मिलने को रोक रहा है, मतलब प्रीमैच्योर इंटरेक्शन को रोका जा रहा है, समय से पहले वो मिल ना जाए, इसको रोका जा रहा है। किसके द्वारा? कैविटी के द्वारा, कैविटी ब्लास्टोसील के द्वारा। अगर ब्लास्टोसील ना होता तो सोचिए ना, ऊपर का सेल नीचे वाला सेल से अटैच होता, कहीं ना कहीं जुड़ा होता कि नहीं? यस सर। हाँ, तो पहला काम क्या हो गया कि ब्लास्टोसील कभी भी एनिमल कैप सेल को वेजिटल कैप सेल से समय से पहले मिलने नहीं देता, पहला काम हो गया। दूसरा काम देखिए, ये जो मैं इतना लिखा हूं, चलो मैं एक बार सेव कर लेता हूं पहले, ठीक बाद में मिट जाता है ना, ये दिक्कत हो जाती है। मैं जो इतना लिखा हूं, ये सब मिला के क्या कहलाते हैं बताओ तो? कौन सा प्रोसेस कहलाता है? गैस्टुलेशन। गैस्टुलेशन। लेकिन याद रखना कि ये जो 5-6 नाम लिखा हूं, ये हर एनिमल में ऐसा होता है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी में इनवेजिनेशन हो, इनवोल्यूशन हो, इनग्रेशन हो, एपिपोली हो सकता है, उसमें डिलेवेशन ना हो, समझ रहे हो ना? तो ये सब के सब हर एनिमल में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। सभी एनिमल में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं? यस सर। ठीक, तो देखते हैं भाई आगे। अगला चीज ये है कि ये जो सेल में मूवमेंट हो रहा है, ये सेल में मूवमेंट क्यों हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि अंदर खाली है। ये खाली ना होता तो क्या बाहर का सेल अंदर घुस पाता? बताइए भाई, अगर वो खाली ना होता तो क्या बाहर का सेल अंदर घुस पाता? क्या जगह मिलती क्या? नहीं सर, नहीं सर। तो अगला काम क्या हुआ कि ब्लास्टोसील क्या कर रहा है? जगह देता है, स्पेस देता है, क्या करने के लिए? सेल मूव कर पाए, सेल में मूवमेंट हो पाए, सेल अंदर आ पाए। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। तो दूसरा काम क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ सेल।
कराता है, सेल को मूवमेंट करने में मदद करता है, जगह देता है। और यदि सेल मूवमेंट करेगी बाहर से अंदर घुसेगी तो सीधी से बात है बाहर में एक होल बनेगा। होल का नाम क्या था अभी बताया, देखो तो ब्लास्टोपोर होल। अंदर जो एक सुरंग टाइप का बनेगा, एक गुफा जैसा बन, नया नया कैविटी बनते जाएगा, क्या कहलाएगा वो? आर्केंटोर, आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रॉन। तो कितने जबरदस्त तरीके से इस पर डिजाइन किया गया है। हर प्रकार के एनिमल में अलग अलग प्रकार के मूवमेंट होती है, सब में सेम नहीं होता। तो डिजाइनिंग कितना जबरदस्त है। देखिए जैसे बर्ड्स में बात करो, बर्ड्स में डिलेमिनेशन होता है, एम्फीबिया में इनवेजिनेशन इन्वोल्यूशन होता है, और बर्ड में डिलेमिनेशन और इनग्रेशन होता है। तो अलग अलग हुआ कि नहीं? यस yes, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस के साथ हमने क्या बोला, गैस्ट्रुलेशन। मैं बोला इतने जबरदस्त तरीके से नाटकीय तौर पर, नाटकीय तौर मतलब समझते हो, जब नाटक करने जाते हैं तो पहले से तय रहता है कि भैया हम लोग ऐसे लड़ेंगे, तलवार मैं उधर फेंकूंगा तुम इधर गिरना, ये पहले से तय रहता है कि नहीं बताओ तो? यस सर। मैं ऐसे चाकू घुसाऊंगा तुम अपना शरीर सामने मत लाना, ये पहले से बात कर लिए रहते हैं कि कौन किधर गिरेगा, कौन किसको कैसे मारेगा, कौन कैसे नीचे गिरेगा, लाइट बंद होगी तो कौन कैसे तलवार को हटाएगा, ये पूरा पहले से तय रहता है, डिजाइन रहता है। तो सेम ऐसे यहां भी होता है, यहां पर भी चलता है कि पहले बोलेंगे भैया मैं एपिबोले वाला प्रोसेस पहले करूंगा, फिर इन्वेजिनेशन करूंगा, फिर इन्वोल्यूशन करूंगा, फिर एपिबोले को लास्ट कंप्लीट करूंगा, ये प्रोसेस चलता है, पहले से फिक्स है। जैसे फ्रॉग में बात करूं तो अभी जो मैं बोला ना ये फ्रॉग में होता है, तो फ्रॉग में पहले से तय है कैसे होना है वो। बर्ड्स में, एवीज में मतलब चिकन में, चिड़िया में, उसमें भी तय है कैसे कैसे होना है। तो हर एनिमल में गेस्टुलेशन कैसे होना है ये पहले से तय है। तो मेरे को एक चीज बताइए, तो ड्रामेटिकली प्रोसेस हुआ कि नहीं, पर ड्रामा चल रहा है जैसा? यस सर, प्री डिजाइन प्रोसेस। तो इसमें सेल क्या होते हैं, ड्रामेटिकली रीअरेंज, बार बार अरेंज हो रहे होते हैं, और फाइनली इतना प्रोसेस होने के बाद क्या करना चाहते हैं जी? ये सब प्रोसेस होने के बाद फाइनली बनाना चाहते हैं वो, मैं इधर कर दे रहा हूं नीचे, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। फाइनली तीन लेयर बनाते हैं। सबसे बाहर की लेयर को बोलते हो एक्टोडर्म, बीच वाले को बोलते हैं मेसोडर्म, और आखिरी वाले को नीचे और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्म। समझ में आया? उसको बोलते हैं थ्री जर्म लेयर, थ्री जर्म लेयर फॉर्मेशन। थ्री जर्म लेयर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सुन पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? यस सर, यस सर। ठीक, तो अब मेरे को बता दीजिए गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है बोलने पर? बताओ कोई, गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है बोलने पर, क्या बोलोगे? गैस्ट्रुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेलुलर मूवमेंट होती है और फाइनली थ्री जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। मामला क्लियर है कि नहीं? यस यस सर। या चार प्रकार का सही संबंध बनाओ, सही जोड़ी बनाओ। समझ में आया? यदि क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते हैं तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आगे बढ़ो। यस सर। चलिए भाई आगे बढ़कर देखिए।
देखते रहे ना, कमेंट को सब बता चुका हूं मैं पहले से, बस कमेंट देखते रहिए। बिकॉज द कंट्रोल्ड, हाँ एक चीज और, ये कंट्रोल्ड है, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी चला जाए, जिस सेल्स को जहां जाना है वही जाएगा, उसके अलावा इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मतलब क्या, कि जैसे जैसे शुरू में एपिपोली हो गया, तुरंत बाद इनवेजिनेशन होगा, इनवेजिनेशन होते ही इनवॉल्यूशन होगा। फ्रॉग में बात कर रहा हूं मैं, तो ये पहला प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को मदद कर रहा है, दूसरा प्रोसेस तीसरे को मदद कर रहा है, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके होते जाएंगे। तो क्या हुआ, कोऑर्डिनेटर मतलब क्या, हर प्रोसेस आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है, कि ये होने के बाद ही ये होगा और वो होने के बाद अगला वाला होगा, उसको बोलते कोऑर्डिनेटेड। समझ में आया ना? यस। तो बिकॉज द कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सेल, सेल में मूवमेंट हो रहा है, ये द सेल ऑफ द ब्लास्टुला, किसका सेल होता है ऐसा बोला मैं, ब्लास्टुला का ना, द सेल ऑफ द ब्लास्टुला आर ड्रामेटिकली रीअरेंज ड्यूरिंग गेस्टेशन। समझ में आया, ब्लास्टुला की सेल कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक नाटकीय तौर पर अरेंज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, गेस्टुलेशन। क्लियर है कि नहीं? ठीक, अगला देखिए भाई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गेस्टुलेशन, क्या क्या कैरेक्टर है गेस्टुलेशन। सबसे पहला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थ्री लेयर, क्या क्या बताओ तो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, एंडोडर्म। पहला पहला कैरेक्टर समझ में आया, अगला yes. पहला हो गया, अगला क्या देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लास्टोपोर, क्या बनेगा, ब्लास्टोपोर बनेगा ना, yes, ब्लास्टोपोर बना तो सुरंग बनेगा अंदर, नया कैविटी जिसको क्या बोलते हो आप, आर्केंट्रॉन। ठीक, अगला, और फाइनली ध्यान से देखिएगा इधर, ये जो आर्केंट्रॉन जा रहा है ना अंदर, ये जो जा रहा है अंदर, धीरे धीरे ब्लास्टोसिल को ऊपर खत्म कर देगा और नया कैविटी पूरा बन जाएगा। देखो ना, आप खुद देखिए, एक नया कैविटी बना आर्केंट्रॉन, तो ब्लास्टोसिल उतना खत्म हुआ कि नहीं, ब्लास्टोसिल ब्लास्टोसिल सिर्फ कितना रह गया देखो तो जी, देखो ब्लास्टोसिल सिर्फ इतना रह गया ना अभी तो, देखो तो इतना रह गया ना सिर्फ इतना, देखो इतना इतना, जबकि पहले पूरा था, ये पूरा ऐसे था, अब सिर्फ उतना रह गया, मतलब क्या हुआ, कौन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है बताओ, ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोसिल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो displacement and finally disappearance of blastocyst, धीरे धीरे खत्म होता जाता, लास्ट तक पूरा खत्म ही हो जाता है। तो क्या बन जाता है नया उसके जगह पे, क्या बन जाता है उसके जगह पे नया वाला, आर्केंट्रॉन ना, अभी तो बोला हूं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, नहीं सुन पा रहे तुम लोग, सुन पा रहे भी कि नहीं तुम लोग बताओ तो, यस सर, यस सर, हाँ तो हाँ ना बोलना, सांस तो लेते रहो कम से कम पता चले मेरे को। चलो आगे देखो, टाइप्स ऑफ गेस्टुलेशन क्या क्या था भाई, क्या क्या प्रोसेस था, देखिए गेस्टुलेशन प्रोसीड वाया ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गेस्टुलेटिव मूवमेंट, नेमली क्या क्या नाम बताओ, इनवेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, डिलेमिनेशन, इनग्रेशन या इमिग्रेशन, फिर एपिबोली, अभी बोला हूं ना, नाम लिखा है देखो, ये सब प्रोसेस था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी एग्जाम में जाते हो पढ़ के जाया करो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहां से। ठीक, सबसे पहला इनवेजिनेशन क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटे छोटे प्रोसेस है, जल्दी खत्म कर देंगे हम लोग, आज नया शुरू नहीं करेंगे क्योंकि उसको पढ़ने के लिए पूरा 2 घंटा लगेगा, आज इतना पढ़ते हैं बस टाइप्स। देखिए ध्यान देखिएगा,
ये क्या था बताइए तो, ब्लड फ्लाइट ठीक था? यस सर। ठीक, इसमें क्या हुआ आप ये समझ लीजिए, मैं बोला ना कोई मिट्टी का गोला टाइप का था, कोई आके उंगली कर दिया तो वहां का मिट्टी अंदर घुस गया कि नहीं, उंगली को दबा दिया उसके अंदर तो कैसे हो जाएगा स्ट्रक्चर देखो, दिख रहा देखो तो yes. इस प्रोसेस को बोलते हैं इनवेजिनेशन या इंडेंटेशन। ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने किसी अमरूद को या बिही को काट दिया है, मतलब दांत को गड़ा दिया, दांत गड़ गया इस दिख रहे देखो तो, दिख रहा है ना? यस। ये हो गया इनवेजिनेशन। या इंडेंटेशन, समझना है? और याद रखना जब भी इन्वेजिनेशन होता है ना मैक्सिमम केस में एंडोडर्म ही बनता है। क्या बनता है जी? एंडोडर्म। इन्वेजिनेशन प्रोसेस द्वारा क्या बनता है बोलने पर? एंडोडर्म फॉर्मेशन होता है। कुछ समझ में आ रहा है ना? Yes. सुन पा रहे हो? देखिए फिर, इट इज इनफोल्डिंग, अंदर की ओर फोल्ड हो गया, या इंडेंटेशन ऑफ द रीजन ऑफ सेल। किसी एक एरिया का सेल यदि अंदर की ओर फोल्ड हो जाए, या ऐसे लगे किसी ने दांत से काट दिया तो वहां का सेल अंदर घुस गया है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? इनवेजिनेशन। याद है ना, यहां पर सेल डिविजन नहीं हो रहा है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, बस बाहर के लेयर का सेल अंदर घुस गया, डिवाइड नहीं हुआ है। समझ में आया? यस। देखिए सी अर्किन में जब होता है तो क्या बनता है? एंडोडर्म। एम्फीबिया में जब होता है तो भी क्या बनता है? एंडोडर्म। ठीक, और याद रखना एम्फीबिया में हम शुरुआत यहीं से मान सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन। हालांकि अगर ऑप्शन में एपिबोली दिया होगा ना ऑप्शन में, तो एपिबोली को मारना, क्योंकि इसके जस्ट पहले शुरू हो जाता है, एपिबोली हो जाती है। लेकिन अगर ऑप्शन में एपिबोली नहीं दिया है तो किसको मारना है? इनवेजिनेशन को टिक लगाना है। समझ में आया? मैं बताऊंगा आगे पढ़ेंगे तो, जब एम्फीबिया पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। तो एम्फीबिया में, फ्रॉग में इनवेजिनेशन जो है गैस्ट्रुलेशन का सबसे पहला स्टेप है। ठीक, लेकिन याद रखना कि इससे जस्ट पहले शुरू हो जाती है क्या? एपिबोली की प्रोसेस। ऑप्शन को देख के टिक लगाना है। ठीक, आगे बढ़ू क्या? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनवेजिनेशन समझ में आया? खासकर क्या बनेगा बोलने पर? एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ध्यान से, बहुत सिंपल सा प्रोसेस बना रहा हूं मैं, देखिए तो क्या होगा। यदि सेल डिवीजन करते करते अंदर घुसना शुरू कर दे, कुछ समझ में आ रहा है? देखो अंदर घुस रहे, बताओ तो। यस। यदि सेल में डिवीजन हो, यहां पर डिवीजन हो रहा होगा, सेल यहां पर डिवीजन हो रहा होगा, तो अंदर धकेलेंगे उसको, ऐसे धकेलते जाएंगे तो अंदर की ओर भागते जाएगा वो। देखो ठीक, यहां भी हो सकता है ऐसे। देखो दिख रहा है ना?
तो यदि सेल डिवाइड होते होते अंदर घुसना शुरू कर दे, वो भी एक लेयर के रूप में, एक परत के रूप में, बाहर की परत का एक सेल डिवाइड होगा बाहरी लेयर और अंदर घुसते जाएगा एक परत के रूप में, शीट के रूप में, तो प्रोसेस क्या कहलाता है? इनवॉल्यूशन। समझ में आया कहानी? यस यस सर। जैसे देख लो, इन टर्निंग ऑफ सेल शीट, सेल का शीट मतलब लेयर, कवर, एक लेयर, इन टर्निंग मतलब अंदर घुसना, इन टर्निंग ऑफ सेल शीट्स ओवर द बेसल सरफेस, अगर मैं ऊपर वाले को बेसल सरफेस मानता हूं, इसको इसको बेसल सरफेस मानता हूं, तो उसके नीचे जस्ट एक लेयर घुस रही है अंदर, तो ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर, मेरे को ये बताइए ना, ये जो सेल अंदर धीरे धीरे घुस रही है कहां कहां है वो? अगर बाहर में डिवाइड नहीं होता तो क्या अंदर घुसता वो? यदि यहां पर डिवाइड नहीं होता, यहां पर डिवीजन नहीं होता, तो क्या अंदर घुसता क्या वो? नहीं घुस पाता। नो सर। तो बाहर की लेयर डिवाइड हो रही है और एक लेयर के रूप में, शीट के रूप में, ऊपरी सरफेस के जस्ट नीचे नीचे आ रही है लेयर के रूप में, प्रोसेस क्या कहलाएगी? इनवॉल्यूशन। और इसी से हमेशा क्या बनता है? मेसोडर्म फॉर्मेशन होता है, इसको याद रखना। तो इनवेजिनेशन से क्या बना? एंडोडर्म। इनवॉल्यूशन से क्या बन रहा है? मेसोडर्म। समझ में आया कहानी? हम सब पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ऊपर ही ऊपर देख लो, ये ट्रेलर टाइप का है, पूरा पिक्चर बाकी है इसका। मैं इतना एक बार सेव कर लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखिए अगला क्या देखिए। तो डीलेमिनेशन, पहला क्या भाई? डीलेमिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल सिंपल सा है, बस उसको कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए, आगे क्या होता है पूरा पढ़ेंगे हम। ये तो देखिए, अब क्या होगा, देखिए इसमें क्या होता है, सेल जो है ना, एक सीट या दो, एक या दो सीट के रूप में स्प्लिट होता है, फट जाता है, ऊपर के सीट से फट करके नीचे आ जाएगा। देखो तो ये सेल का एक लेयर है, मान लीजिए आप ये समझ लीजिए ना, ये सेल का पूरा लेयर था ऐसे भाई, ऐसा था, देखे कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? Yes. बताओ तो क्या हुआ, सेल एक सीट के रूप में स्प्लिट हो गया, स्प्लिट मतलब समझते हो? इधर देखो तो मेरा हाथ दिख रहा है आपको? Yes. अब देखो कैसे हो गया, वो तो ऐसे ऐसे हो गया था, ऐसे ये स्प्लिट होना, फट जाना बीच से, समझ जाओ ना। तो स्प्लिट हो गया ऊपरी लेयर से, कुछ सेल की एक लेयर या दो लेयर, दो लेयर भी हो सकता है ये, यदि स्प्लिट होकर अलग हो जाए तो प्रोसेस क्या कहलाती है? डीलेमिनेशन। बोले तो डीलेमिनेट हो गया, स्प्लिट हो गया, फट करके अलग हो गया, जैसे रिबन होता है, रिबन फीता बोलते हो, उस रिबन को बीच से फाड़ दो, समझ रहे हो ना, बीच से फाड़ दो मतलब पूरे लंबाई में फाड़ो, ऐसे बीच से काटो मत, पूरी लंबाई में फाड़ दो तो भी स्प्लिट कहलाएगा। जिस प्रकार से मूंग, देखिए मूंग, yes. मूंग का जब फल, उसके अंदर बीज होता है, फल को स्प्लिट करते हो ऐसे हो जाता है, दो भाग में अलग हो जाता है, वो स्प्लिट कहलाता है, ठीक।
चलिए भाई देखते हैं फिर क्या होगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ एपिथेलियल सीट, ऊपर का जो सीट है क्या करेगा एपिथेलियल सीट, इंटू टू और मोर पैरेलल सीट, दो या दो से अधिक पैरेलल सीट, दो होगा दो, दो से अधिक भी हो सकता है लेकिन पैरेलल होगा, बोलते हैं ऐसा। देखो ये भी अलग हो रहा है, देखो ये दिख रहा है ना ये, तो क्या कहलाएगा प्रोसेस डिलमिनेशन। इससे क्या बनता है हम पढ़ेंगे, बर्ड्स में पढ़ेंगे, इससे बनता है हमेशा हाइपोब्लास्ट बनता है। क्या बनता है जी, हाइपोब्लास्ट बनता है, क्या होता है पढ़ेंगे। ऊपर वाला एपिब्लास्ट कहलाता है, नीचे वाला हाइपोब्लास्ट कहलाता है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। हम आगे पढ़ेंगे उसको, परसों ही पढ़ेंगे, कल तो फ्रॉग वाला पढ़ेंगे। ऊपर वाला एपिब्लास्ट कहलाता है, नीचे वाला हाइपोब्लास्ट कहलाता है, ठीक। और जो प्रॉपर जो एम्ब्रियो को फॉर्मेशन होता है ना, जो बच्चा बनता है, वो उसका ज्यादातर हिस्सा किसका होता है बोलने पर, एपिब्लास्ट का होता है। समझ रहे हो ना, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। मैं बोला जब डिलेमिनेशन होता है तो दो लेयर बने, एक ऊपर में एक नीचे में, ऊपर वाले को एपिब्लास्ट, नीचे वाले को हाइपोब्लास्ट। तो आगे जब एम्ब्रियो बनेगा, बच्चा बनेगा, जैसे बर्थ में उसका चूजा बनेगा, तो उसका मैक्सिमम हिस्सा कौन बनाएगा, एपिब्लास्ट बनाएगा कि हाइपोब्लास्ट बनाएगा। एपिब्लास्ट, सुन पा रहे हो ना आप, एपिब्लास्ट बनाएगा। तो मेरे को एक बताइए, यदि मैं फेट मैप देखना चाहता हूं, फेट मैप समझते हो, फेट मतलब भविष्य, मैप मतलब नक्शा। यदि मैं भविष्य का नक्शा बनाने वाला हूं कि कौन सा पार्ट क्या बनाएगा, तो चूजा का मैक्सिमम हिस्सा किस में आएगा, एपिब्लास्ट या हाइपोब्लास्ट में। एपिब्लास्ट में, इसीलिए फेट मैपिंग हमेशा किस में किया जाता है, एपिब्लास्ट। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं, Yes. देखो ओनली एपिब्लास्ट गिव राइज टू एम्ब्रियो प्रॉपर, हाइपोब्लास्ट गिव राइज टू एक्सटेंडेड मेम्ब्रेन, नीचे वाला सिर्फ एक्सटेंडेड मेम्ब्रेन आता है जी, और ये पूरे एम्ब्रियो बनाता है। तो अब आप बताओ ना, जब एम्ब्रियो ऊपर वाला बना रहा है तो एम मतलब बोन कौन बनाया, मसल कौन बनाया, ठीक है, मांस कौन बनाया, नर्व कौन बनाया, ये सब चेक करने के लिए हम किसको देखेंगे, एपिब्लास्ट को देखेंगे। और ये सब को जानना ही क्या कहलाता है, फैट मैप कहलाता है। इसका जो चित्र बनाएंगे ना आप कि कौन सा पार्ट से क्या बनेगा, वो क्या कहलाता है, फैट मैप। तो फैट मैप को स्टडी करना है तो कौन से लेयर को पढ़ना पड़ेगा आपको, एपिब्लास्ट या हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट, एपिब्लास्ट, ठीक। हाइपोब्लास्ट गिव राइज टू एक्सटेंडेड मेम्ब्रेन, पढ़ेंगे आगे। Thus, इस प्रकार फेट मैपिंग इन एन एवियन एम्ब्रियो, एवियन मतलब बर्ड होता है ना, एवियन मतलब बर्ड होता है, मतलब बर्ड के एम्ब्रियो में यदि फेट मैप करना चाहते हो, इज रेस्ट्रिक्टेड टू एपिब्लास्ट ओनली, तो वो सिर्फ कहां तक सीमित हो जाती है, कहां तक आपको स्टडी करना पड़ेगा, सिर्फ एपिब्लास्ट स्टडी करना पड़ेगा, तब आप फेट मैप बता पाओगे। मामला पल्ले पड़ा ना, यस सर। आगे बढ़ूं आप, यस, ठीक। अगला इनग्रेशन देख लेते हैं भाई, सब सेम सेम टाइप से हैं। देखो ये था, यहां पर क्या होगा कि सेल यहां भी मूव करेंगे, लेकिन कैसे, देखो तो देखो, सेल या तो सिंगल मूव करेंगे अंदर क्यों रहेंगे,
या तो ग्रुप में आएंगे, देखो सिंगल या ग्रुप में, दिख रहा है ना, लेकिन सीट के रूप में नहीं आएंगी, एक परत के रूप में, एक लेयर के रूप में नहीं आएंगी, या तो सिंगल सिंगल या तो ग्रुप ग्रुप में आएंगी, परत नहीं होगा वहां पर, लेयर नहीं होगा। यहां पर लेयर दवाई तो डिलिमिनेशन कहलाता था, यहां पर लेयर नहीं है तो इनग्रेशन या इमिग्रेशन कहलाता है। कुछ पल्ले पड़ा? यस। ठीक है, देखिए माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल आर और ग्रुप ऑफ सेल, या तो इंडिविजुअल सेल सिंगल सिंगल या फिर ग्रुप ऑफ सेल समूह में, बट नॉट इन सीड्स, लेकिन वो लेयर के फॉर्म में नहीं है। कहां माइग्रेट कर रहा है बोलने पर? टुवर्ड द इंटीरियर एम्ब्रियो, कहां चला गया वो? एम्ब्रियो के अंदर। कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, देख लीजिए एग्जाम्पल में क्या क्या है भाई। सी अर्चिन में अगर आप देखना चाहोगे तो सी अर्चिन में क्या बनाता है? वो मिजोडर्म बनाता है, ऐसे माइग्रेट करके मिजोडर्म बना लेता है। हम पढ़ेंगे आगे वर्ड में भी क्या बनाता है, मिजोडर्म बनाता है और एंडोडर्म बनाता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ड्रोसोफिला में क्या बनाता है बोलने पर? न्यूरोब्लास्ट बनाता है। ठीक, सी अर्चिन में मिजोडर्म, बर्ड में मिजोडर्म और एंडोडर्म, और ड्रोसोफिला में न्यूरोब्लास्ट। क्लियर है कि नहीं इतना? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एपिबोली, ध्यान से देखो, मैं आपको बोला था पहले भी कि देखो ये ऊपर में एनिमल पोल की सेल है, अभी बोला था कि नहीं बताओ तो? यस। एनिमल कैप सेल, नीचे कौन सा है जी? वेजिटल कैप सेल, ऐसा था ना? यस। ऊपर में एनिमल कैप सेल, ये देखिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एनिमल केयर सेल में लगातार यहां पर एनिमल पोल में लगातार डिवीजन होगा सेल में, और ये सेल धीरे धीरे फैलते जाएंगे ऐसे, और किसको कवर कर लेंगे फाइनली पूरी तरीके से बताओ तो? इसको पूरे पूरे के पूरे एम्ब्रियो को कवर कर लेंगे भाई। देखो कैसे करते हैं, देखो ये तो ऐसा था ना, जब लगातार ऊपर से डिवीजन हुआ तो भाई अब मेरे को ये बताइए, जब ऊपर में लगातार डिवीजन हो रहा था सेल नीचे ढकेलेंगे ना ऐसे, ऐसे आएंगे ना ऐसे, ऐसे कवर कर लेते। देखो तो ये ऐसे कवर कर लिया, देखो तो, और फाइनली पूरा कवर कर लेगा, पूरा का पूरा कवर कर लेगा। देखो ऐसे ठीक, अंदर जो भी था, अंदर की बात मत करो, अंदर कुछ प्रोसेस चल रहा है। आप सिर्फ ये देखो एनिमल पोल के साथ लव लगातार डिवीजन करती हैं तो पूरे एम्ब्रियो को क्या कर लेती हैं वो? कवर। समझ में आया? यस। तो अब बताइए पूरे एनिमल पोल की सेल कहां पे है बोलना पर? अभी पूरे चारों तरफ, आप ये सोचिए ना आपके पास एक छोटा सा गेंद है, उस गेंद के चारों तरफ ऊपर में आप जहां जहां टच कर पा रहे हो, छू पा रहे हो गेंद को, ऊपर में बाहर में पूरा गोलाई में वो सब तरफ फैल जाएगा वो। यस। अब ये समझ लीजिए उस गेंद को नीचे रखे हो, प्लास्टिक का गेंद है, ऊपर से बूंद बूंद करके पानी डाल रहे हो, पानी के ऊपर डाल रहे हो, तो धीरे धीरे पानी पूरा फैल जाएगा, नहीं पूरा बॉल में बताओ तो? चारों तरफ फैलेगा ना? यस। पूरा चारों तरफ से फैलेगा, उसके आगे पीछे, उसके लेफ्ट राइट, उसके कॉर्नर, सब तरफ से फैलेगा। डायग्राम देखे मत सोचो कि ये बस
राइट और लेफ्ट तरफ ऐसे घूम के नीचे तक आ रहे, नहीं ये चार तरफ से आ रहा है, बोले तो ऐसा। अगर ये गेंद है तो यहां से भी ऐसे आ रहा है, ये सामने से भी ऐसे आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और पीछे से भी आ रहा है ऐसे, समझ रहे हो ना। तो पूरा कवर कर लिया, तो बाहर में जो एक लेयर बनेगा, लेयर क्या कहलाएगा, एक्टोडर्म। ये क्या बनेगा बताओ जी, एपिडर्मिस हमेशा क्या बनता है, एक्टोडर्म, हमेशा एक्टोडर्म बनेगा क्योंकि पूरा बाहर का लेयर बना रहे ना वो तो। यस, एक्टोडर्म फॉर्मेशन, ठीक हो गया। देख लेते हैं, कवरिंग ऑफ द एंटायर एम्ब्रियो बाय एक्टोडर्मल सेल फ्रॉम द एनिमल पोल रीजन, मामला क्लियर है। यस सर। चलिए एग्जांपल देखिए, एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन एम्फीबिया, सी अर्चिन, बर्ड एंड ट्यूनिकेट, सब में क्या बनाता है ये, एक्टोडर्म बनाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोसिल का क्या काम था भाई, ब्लास्टोसिल समझ रहे हो ना, ये तो बीच में कैविटी दिख रहा है, सब में कैविटी जो दिख रहा है बीच में, और सब ब्लास्टोसिल था। तो फंक्शन ऑफ ब्लास्टोसिल क्या था बताओ, पहले बोला हूं मैं कि ऊपर में एनिमल कैप सेल है, नीचे वेजिटेबल कैप सेल है। अब बताइए एनिमल कैप सेल को किससे मिलने नहीं देगा, प्रीमैच्योर इंट्रैक्शन को रोकेगा बोला हूं मैं, बताओ जी, वेजिटेबल कैप सेल से मिलने नहीं देगा। देखो तो ब्लास्टोसिल प्रोवाइड द नेसेसरी स्पेस फॉर माइग्रेशन ऑफ सेल ड्यूरिंग गैस्टेशन ऑफ क्लीवेज। सबसे पहले तो ये हुआ कि अंदर जो कैविटी है उस कैविटी की वजह से सेल अंदर घुस पा रहे हैं ऐसे, अगर कैविटी ना होता तो अंदर नहीं घुस पाते, तो सबसे पहले तो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा चीज, ब्लास्टोसिल डज नॉट अलाउ प्रीमैच्योर इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल एंड वेजिटेबल कैप सेल, बीच में कैविटी है इसीलिए ऊपर वाले सेल नीचे वाले सेल से मिल नहीं पा रहे हैं, अगर अंदर भी सेल होता तो आपस में कहीं ना कहीं अटैच होते, टच होते, वो मिल जाते, वो तो समय से पहले मिलने नहीं देता उनको। मामला क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो ये था गैस्टिलेशन की प्रोसेस, इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब टाइप्स, गैस्टिलेशन के टाइप्स था ये। अब हम कल पढ़ेंगे, आज पहला दिन है, कुछ बच्चे नए भी हैं तो आज कल हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि वो 2 घंटा लग जाएगा लगभग, आज करेंगे तो आधा ही होगा। गैस्टिलेशन इन एम्फीबियंस, एम्फीबिया में, फ्रॉग में, मेंढक में कैसे होता है गैस्टिलेशन, थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसलिए उसको पढ़ेंगे कल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी लोगों का? यस सर। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं कल। यस सर, आज बस थोड़ी नेटवर्क इश्यूज थी इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई मेरे को, कल से शायद ना हो। अच्छा हाँ, देखिए आज से नेटवर्क पे जाइएगा आप लोग, है ना। जी सर, बादल है ना, कहाँ पे आपका नेटवर्क बढ़िया आता है। जी सर। हाँ, चलिए फिर गुड नाइट सभी बच्चों को।